हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे नीट शुरुआत के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ में एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्फ्लुएंस रहता है, जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। और इस डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की मदद से किस तरीके से हम जनरल फार्मूला प्रेडिक्ट करेंगे या बनाएंगे, इसको आज हम सीखेंगे। आप ज़रूर बताइएगा, और जब हम इसको स्टडी कर रहे होंगे तो आप ज़रूर देखिएगा कि क्या आप अभी तक जनरल फार्मूला को रट रहे थे, क्या आज के बाद आप जनरल फार्मूला रटेंगे, या कोई भी मॉलिक्यूल आ जाएगा, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल आ जाएगा, आप उसका जनरल फार्मूला तुरंत बना देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एंड जनरल फार्मूला। कैसे हैं आप लोग? तो बेटा, पिछली क्लास से हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे आ रहे हैं, और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जा सकता है। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे आइसोमर चैप्टर, कौन सा पढ़ेंगे बेटा? आइसोमर चैप्टर। तो आइसोमर चैप्टर में भी इस टॉपिक का बहुत बड़ा यूज है, और आज देखना, आज आपको एक मैजिक फील होगा। क्या फील होगा बेटा? एक मैजिक फील होगा। तो जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नाम तो आपने सुना ही होगा, अरे है ना? इसे किस नाम से अंदर? डीओ, या बेटा इसी को हम लोग बोल देते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या बोल दिया हमने से क्या, डीबीई। बोलो है ना? चलो साहब, या फिर इसी का एक और नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबी, या इसे हमने बोल दिया आईएचडी। क्या बोल दिया बेटा? आईएचडी। तो डीयू, डीवी या आईएचडी, तरीक नाम अलग अलग है, बट जो सारी चीजें हैं मीनिंग क्या है, सेम है। हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? ज्यादा से ज्यादा डीयू वर्ड, क्योंकि बहुत इजी बोलना भी क्या, थोड़ा सा इजी है। तो अब ध्यान सुना, ये डीयू होता क्या है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिए। डीयू बताने के अपने तरीके अलग अलग होते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन भी टीचर का अलग अलग होता है। हम आपके सामने जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो हम आपके सामने लेके आएंगे। कारण क्या है कि आपको एग्जाम में भी पढ़ना है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको क्या करना है बेटा, यूटिलाइज करना है। सबका तरीका है, सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि आपने कोई और तरीका पढ़ा है, वो भी सुपर हिट तरीका है, और ये तो सुपर हिट तरीका है, ये भी है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ध्यान सुनना। मैंने कहा किसी कंपाउंड, जैसे मतलब सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच टू है, मैंने कहा इस कंपाउंड का डी यू कितना होगा, तो हमें करना क्या होगा, ध्यान सुनना बेटा, हमें इसमें एच टू को ऐड कर दो, यानी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमें क्या बनाना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बनाना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ध्यान से, किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3। ये रिएक्शन वैसे आगे पढ़ोगे, ये निकल के या पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। अब ध्यान सुनना बेटा, अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना है, बहुत ध्यान समझना, क्या एक मोल H2 को ऐड करने से बना है क्या? हाँ। तो जितने मोल H2 से ऐड करने से बनता है वही उसकी DU कहलाती है। समझ में आया? या अपन बोल सकते हैं, उल्टा सोचो, इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में कितने मोल ऑफ H2 निकल रहा है रे? एक मोल ऑफ H2। समझ में आया? वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इज इट क्लियर? मैं बोलूं, या फिर हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, क्या एक पाई बॉन्ड था? हाँ। अरे बोलो, पाई बॉन्ड तोड़ दे, HNH जोड़ दे। कितने H जोड़ा? दो। कितना मोल हुआ H2? एक। तो इसका DU कितना हो जाएगा? 1। क्या मेरी बात समझ आया? तो अपन ये कह सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड के लिए एक H2 चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? तो DU कितना हो गया? 1। यानी आज के बाद हम H2 के टर्म में बात ही नहीं करेंगे, हम तो ये कहेंगे कि भाई साहब एक पाई बॉन्ड है तो उसका DU क्या है? एक। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? अच्छा सुनो बेटा, इसका DU कितना होगा? 0। बेहतरीन। कैसे पता चला आपको? नो पाई बॉन्ड। ओके,
यानी कार्ब एक क्या बात है, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और डीयू जीरो है, तो वो क्या होगा? एल्केन। क्या होगा? एल्केन। सर क्यों पढ़ाते हो आप डीयू? क्या सिग्निफिकेंस है डीयू का? तो आइए पहले हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? मान लीजिए किसी कंपाउंड का हमने डीयू कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो अगर डीयू 1 होता है तो या तो वो एक पाई बॉन्ड के रूप में रह सकता है या तो वो एक साइकिल के रूप में रह सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? अरे भाई, एक पाई बॉन्ड है या एक साइकिल है तो इसका मतलब क्या? उसका डीयू 1। तो क्या आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर किसी मॉलिक्यूल का हमने डीयू निकाला तो उसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो? क्या क्या बना सकते हो बता बेटा? या तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होगा। अच्छा, 2 पाई बॉन्ड कैसे हो सकता है? साथ साथ भी हो सकता है, आजू बाजू भी हो सकता है और दूर दूर भी हो सकता है। तो क्या हम बोल सकते हैं 2 पाई बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड? क्या 2 पाई बॉन्ड आ गया क्या? दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए क्या होगा? क्या बोला? वेरी गुड, जो आपने बोला वो मैंने लिख दिया, आपने लिखा 2 साइकिल या 2 रिंग। क्या कोई और भी पॉसिबिलिटी बनाने वाले हो? क्या क्या क्या? वेरी गुड, 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 क्या है? साइकिल या रिंग। सर फिर भी बताइए, इससे आप बताना क्या चाहते हो? आप एक्सप्लेन क्या करना चाहते हो? बेटा पढ़ा रहा हूं डीयू, लेकिन आपके लिए आधार बना रहा हूं आइसोमर चैप्टर का। किसका आधार बना रहा हूं? आइसोमर चैप्टर का। मान लो बेटा कोई एक मॉलिक्यूल है और उसका डीयू हमने कैलकुलेट किया कितना? 1। और उसने पूछा कि इसके कितने पॉसिबल टाइप के स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे? टाइप स्ट्रक्चर पूछा है, टाइप स्ट्रक्चर कितने टाइप के, कैटेगरी के। तो हम बोल सकते हैं ये 2 कैटेगरी का बनाएगा। पहली कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें केवल 1 पाई बॉन्ड होगा और दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें केवल 1 साइकिल होगा। यानी कि उन 4 ऑप्शन में से अगर आपको 2 पाई बॉन्ड और 2 साइकिल दिखते हैं तो बिना देखे उनको कट करना वो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये आपके सामने दे रखा बेटा, डीयू 2 आ गया, तो बेटा उसके जितने पॉसिबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं? या तो 2 पाई बॉन्ड, वो किसी भी तरीके से हो गए, ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी हो सकते हैं, या बेटा क्या बोला, 2 साइकिल हो सकता है या 1 पाई बॉन्ड और 1 साइकिल हो सकता है। सर ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन हमें आपने तो लिख दिया यहां पे DU1 DU2, हमें कैसे पता चलेगा किसी मॉलिक्यूल का DU1 है या DU2 है? तो हमने कहा बेटा बहुत ही आसान है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ इसके लिए बेटा हाँ बहुत ही आसान है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आपके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला, जो एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस ऐसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है, इसमें एजम्पशंस को हमने एक फार्मूले के रूप में बना दिया है। वो फार्मूला मैं डायरेक्ट आपके सामने लिख रहा हूँ, उससे आप डीयू का पता डायरेक्ट लगा सकते हो। बोलो है ना? तो अगर किसी कंपाउंड का डीयू पता करना है, बेटा ध्यान सुना, डीयू पता करना है तो फार्मूला है इसका C+1 - H+X - N/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। सर एक बात बताओ, हमने कहा बोलो बेटा, सर क्या डीयू हमेशा इस फॉर्मूले से ही निकालना होगा? हमने कहा नहीं, अगर स्ट्रक्चर आपको पता है, क्या बोला, स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप उसमें पाई बॉन्ड और साइकिल को काउंट करिए और उनका सम ही क्या कहलाएगा, डीयू कहलाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा। सर हमने पूछा कहाँ, बोलो बेटा, सर एक चीज समझ में बताइए, ये शब्द क्या डिनोट करते हैं? तो बेटा C=2 क्या होगा आप बताइए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। तो C=2 क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन। बहुत सही बेटा, बताओ H किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। बहुत सही जवाब दे रहे हो। एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? नंबर ऑफ हैलोजन को। और एन किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा बताओ? नंबर ऑफ नाइट्रोजन को। ये आपने देखा। अच्छा सुनो मेरी बात,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने लिखा, बहुत ध्यान समझते नंद, एकदम सुनते जाओ पहले मेरी बात। मैंने लिखा कि ये है C4H8। अब बताओ क्या ये मॉलिक्यूल में तुम्हें कहीं पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? हाँ हाँ। अरे बोलो, क्या इसमें कोई साइकिल नजर आ रही है? हाँ हाँ। अरे है ना। तो जब हमको इसका स्ट्रक्चर नजर ही नहीं आ रहा है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? फार्मूले का। किसका करना पड़ेगा? फार्मूले का। अच्छा साहब ध्यान से सुनिएगा, मैंने फार्मूला लगाया DU = कार्बन है, कार्बन कितने है भाई, तो क्या लिखोगे? 4+1। माइनस हाइड्रोजन कितने है बेटा? कितना है? 8। अच्छा बताओ बेटा हेलोजन कितना है? 0 लिख दिया। नाइट्रोजन कितना है? 0। तो बताओ क्या डिवाइडेड बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया? सॉल्व करो, 4+1 क्या होगा? 5। 8/2 कितना हो गया? 4 = क्या आ गया? 1। क्या आपने ड्यू समझा? अरे सर, बच्चे ने पूछा सर सर सर, हमने कहा बोलो बेटा। सर एक चीज मेरे को समझ में आया, हमने कहा बोल दो बेटा। सर इसका मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर अभी बनाने वाले हो तो या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या तो उसमें एक साइकिल होगा। हमने कहा यही तो आपके दिमाग में मुझे रखना था कि आप इसके अलावा कुछ और ना सोच सके कि दो पाई बॉन्ड या दो साइकिल की बात हो। अब जैसे ही कैटेगरी बनी आपके पास 2 कैटेगरी बन गई, एक पाई बॉन्ड वाला बनेगा और दूसरी साइकिल वाला। तो आइए बनाकर देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। हमने जब इसको बनाने का प्रयास किया तो आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन है, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये स्ट्रक्चर बनेगा क्या? हाँ। दूसरा अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ तो CH2 और CH2, क्या ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं? 4। इसमें कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 8। इसमें कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 4। इसमें कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 8। अरे है ना। क्या इसमें एक पाई बॉन्ड है? हाँ। क्या इसमें एक साइकिल है? हाँ। तो क्या एक पाई बॉन्ड और एक साइकिल के रूप में मैंने आपसे बोला था कि नहीं बोला था? तो आपने एक पाई बॉन्ड बना दिया और एक साइकिल बना दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बच्चा कहता है सर मेरे को एक डाउट है। मैंने कहा पूछो। आपने पाई बॉन्ड यहीं क्यों बनाया? आपने पाई बॉन्ड बीच में क्यों बनाया, नहीं बनाया? मैंने कहा बेटा एक बात सुनो, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो फैमिली डिस्कस कर रहे हैं, उस फैमिली के मेंबर्स की बात हम बाद में करेंगे। कब करेंगे? जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। आज हमारा जो फोकस है वो केवल ये है कि हाँ एक परिवार होगा, जो परिवार किसका होगा? पाई बॉन्ड वाला। चाहे तुम पाई बॉन्ड यहां बना लो, चाहे तुम पाई बॉन्ड यहां बना लो, चाहे इसमें ब्रांचिंग करके पाई बॉन्ड बना लो, वो उस परिवार के सदस्य होंगे। और दूसरा क्या है? साइकिल। आज 4 की साइकिल, 4 की रिंग है, तुम 3 की रिंग के साथ एक मिथाइल लगा लो। वो काम आज का नहीं है, वो काम जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर में कैलकुलेशन वाले पार्ट में आएंगे कितने आइसोमर बन रहे हैं वहां बात करेंगे। लेकिन इतना तो आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये 2 परिवार के अलावा कोई तीसरा आने वाला नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट? समझ में आ रहा है क्या? तो यानी अब हम आपसे ये कह सकते हैं, ये आगे की बात है, बात बहुत आगे की है। अभी तो हम लोग को क्या पढ़ना है आगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसके बाद की बात करेंगे कि बेटा ध्यान सुनना कि अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं बातें आगे की बोल रहा हूँ जो आप देखेंगे याद आएगा कि मैंने आज, अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? हाँ। क्या दोनों C4H8 को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? हाँ। इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड DU सेम, क्या बोला? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड DU सेम, तो वो आइसोमर होंगे। इसका DU कितना है? 1। इसका DU कितना है? 1। कैसे पता चला? एक पाई बॉन्ड एक साइकिल। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो क्या अगर मैं भी आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, डिफरेंट कंपाउंड लिखूं, तो क्या आप उसका DU कैलकुलेट कर सकते हो क्या? चलो साहब, तो फिर हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और आपको उसको देखना है। ओके चलो चलिए। तो क्वेश्चन होगा फाइंड DU। बेटा इस पर एक बात ध्यान सुनना, DU पर डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, DU पर डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके हेल्प से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो तो आएंगे ना। तो क्वेश्चन अभी आप देखना कितनी आसानी से इससे सॉल्व होने वाले हैं।
चलिए बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, इधर आइए सब लोग। मैंने कहा क्वेश्चन है फाइंड डीयू, आपको डीयू फाइंड करना है। मैं इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूं और जब मैं पूरी क्लास से पूछूंगा एक साथ, तब आपको जवाब देना है क्या है डीयू। ओके चलिए, तो ये हमारे सामने कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3, इधर हमें इसके बारे में डीयू लिखना है। तो आप क्या करो मेरे साथ साथ इन कंपाउंड्स को लिखते जाइए, नंबर टू, नंबर थ्री, सुनिए बेटा अब एक कुछ कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे हैं और आपको क्या करना है इनके डीयू को बताना है। क्या डीयू बताने के तैयार हो? अच्छा क्या देखना है, आपने देखा हमने टू कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम कर दिए हैं। पहली कैटेगरी ऐसी बनाई है जिसमें आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दूसरी कैटेगरी ऐसी बनाई है जिसमें आपको स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है। तो क्या बताओ डीयू बताने के तैयार हो? बताओ बेटा इसका डीयू कितना होगा? कैसे पता चल जाता है आपको? सर नो पाइबॉन नो साइकिल। ओके अच्छा इसका ड्यू कितना होगा? बेहतरीन जवाब, एक पाइबॉन। इसका कितना होगा? दो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं जवाब दोगे क्या? इसमें कितने कार्बन हैं? चार। कैसे पता चला? एक दो तीन चार, अरे है ना। क्या अच्छा बेहतरीन जवाब दे रहे हो, क्या इसमें ड्यू बता सकते हो? चार कैसे हो जाएगा? अच्छा पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं ना, साइकिल को भी काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड प्लस साइकिल को लेते हैं। बेहतरीन, तो क्या बोला? 3 + 1 बोले तो 4। इससे एक चीज और पता चली, इससे एक चीज और पता चली कि बेंजीन के लिए, बेंजीन बनाने के लिए मिनिमम डीयू की आवश्यकता कितनी होगी? 4। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको दिया गया है और उसका डीयू 4 नहीं आता है, अरे बोलो, तो वो बेंजीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बेंजेनोइड कंपाउंड, अच्छा बेंजेनोइड कंपाउंड क्या होता है बेटा? ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो, तो बेंजेनोइड कंपाउंड के लिए मिनिमम डीयू की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? याद रखोगे क्या? पक्का पूछूंगा मैं, इसी तरह से कॉन्फिडेंस होगा? चलो साहब इसे बेंजीन, ये क्या कहलाता है? नेफ्थलीन। क्या डीयू बताने के तैयार हो? क्या 3 2 5 और 2 साइकिल? तो कितना हो गया टोटल? क्या लिखा? 5 + 2। ये 5 क्या है? पाई बॉन्ड। 5 क्या है? पाई बॉन्ड। 2 क्या है? साइकिल। डीयू कितना हो गया? 7। बताओ एंथ्रासीन के बारे में क्या ख्याल है? क्या डीयू बता सकते हो? कितना होगा बेटा बताओ? 3 2 5 और 2 7। क्या बेटा? 3 2 5 और 2 7। तो बताओ कितना, कितने पाई बॉन्ड? 7। और कितने साइकिल? 3। बोले तो 10। बोले तो 9। क्या ख्याल है आपका? जवाब देने के लिए आप तैयार हो? अच्छा क्या करोगे आप यहाँ पे, क्या फार्मूला लगाओगे? हाँ फार्मूला तुम्हें याद है क्या? हाँ। अच्छा कैसे बताओगे? डीयू इज इक्वल टू कार्बन कितने हैं? 4 + 1 - 8। क्या कोई हैलोजन है? आहा आहा। क्या कोई नाइट्रोजन है? आहा आहा। तुमको ऑक्सीजन से दिक्कत है क्या? नहीं। इसको भी ऑक्सीजन से दिक्कत होगी क्या? नहीं। ऑक्सीजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 8/2 बोले तो 5 - 4 = 1। इससे एक चीज तो पता चल गया कि जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, जब इसका, तो इसमें या तो एक पाई बॉन्ड होगा
या तो एक साइकिल है। क्या पूरी क्लास इस कंपाउंड का ड्यू निकालने के लिए तैयार है? क्या निकाल भी लिया आपने? कितना जवाब आया? अरे इतना फास्ट निकाल लिया, यानी आपने तुरंत बोला सर डी यू इज इक्वल टू कार्बन कितना 3+1, बोलो है ना। अच्छा बताओ बेटा क्या होगा बाद, माइनस क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना, ये सीएल क्या है, हेलोजन, क्या करोगे +1, ऑक्सीजन से आहा आहा नाइट्रोजन को लेके आओगे क्या, क्या करोगे -2 डिवाइडेड बाई 2, बोले तो क्या आ गया बेटा 4, -7+1 8, -2 6 डिवाइडेड बाई 2, बोले तो 3 = 1। बच्चा बोलता है सर सर सर, हमने कहा बोलो बेटा, कह रहा एक चीज मेरे को और अच्छा समझ में आया, अब सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। हमने कहा बोलो सर, अगर इसका स्ट्रक्चर उसने पूछ लिया और मुझे नहीं पता है और ऑप्शन में दे रखा है, तो या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या तो उसमें एक साइकिल होगा। वो पाई बॉन्ड किसी के रूप में हो सकता है, वो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में शेयर हो सकता है, वो पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयर हो सकता है, या वो पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ शेयर हो सकता है, वो अलग है, वो कहाँ है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ उसमें एक पाई बॉन्ड होगा ही होगा। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आया? तो अभी तक तो मैंने केवल आपको इतना फेमिलियर किया है कि डीयू निकालते कैसे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में नहीं आएंगे कि तुम डीयू निकालो, ये वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन इनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, तो अब हम इनके एप्लीकेशंस की ओर बढ़ने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? चलो साहब अब एक काम करते हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप उसका जवाब देना चाहोगे? तो एक बहुत ही प्यारा मजेदार टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, बोलो, जनरल फार्मूला। क्या है बेटा? जनरल फार्मूला। अच्छा सुनो बेटा, अगर जनरल फार्मूला की बात कर रहे हैं, पूरी क्लास एक साथ जवाब देने के लिए तैयार है क्या? चलो साहब मेरी बात बहुत ध्यान समझ देना, मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल, आपको बताना है उसका जनरल फार्मूला, किस टाइप का मॉलिक्यूल है आपको बताना है जनरल फार्मूला। अरे बोलो पक्का पढ़े होगे क्या? चलो जवाब देना, जैसे मैंने बोला एल्केन, तो आपको क्या बोलना है CnH2n+, लेकिन आवाज एक सिंक्रोनाइज आवाज होनी चाहिए, बोलो यार। तो बताना, मैं बोल रहा हूँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पक्का? तो अब एल्कोहल, चलो एल्डिहाइड, अच्छा चलो बताओ एनहाइड्राइड, चलो चलो कुल मिलाकर एक चीज समझ में आया, कुल मिलाकर आपने खुद महसूस कर लिया, जब तक मैंने एल्केन एल्कीन और एल्काइन बोला था, क्लास की इंटेंसिटी अपने किस पे थी, चरम पर थी, किंतु परंतु लेकिन जैसे ही हम एल्कोहल की तरफ बढ़े और उसके आगे बढ़े, वैसे ही आपने देखा कि जो इक्विलिब्रियम क्लास की थी वो थोड़ी सी क्या हो गई, हाँ नॉइज जैसा नजर आने लगा। ऐसा क्या हुआ? इसलिए कि क्योंकि जनरल फार्मूला जो आप लोगों ने याद किया था उसको रिवाइज किए हुए बहुत समय हो गया, और अगर बहुत समय हो गया तो सर आप एक क्लास पहले बताना चाहिए था आपको कि आप कल आप पूछने वाले हो, हम पूरा रट रट कर आते, अरे है ना। नो सर, आज के बाद, आज के बाद आपको ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आखिर कैसे हम पता करते हैं किसी कंपाउंड का जनरल फार्मूला निकालना बिना याद किए। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? चलो साहब ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा अब तक, चलो साहब अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बच्चे ने बोला सर हाँ बताइए क्या पता होना चाहिए। हमने कहा बेटा जो तुमको पता है वही पता होना चाहिए। सर ये क्या कहना चाहते हो, हमको पता है और फिर भी पता होना चाहिए, ये क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ चीजें तो आपने पढ़ी हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आज वो हम आपको अप्लाई करना सिखाएंगे। सर प्लीज, हमने कहा बेटा ध्यान से सुनना, जितना मैं पूछ रहा हूँ जवाब देते जाइएगा। मैंने बोला ये है बेटा एल्केन, अच्छा एल्केन, एल्केन का मतलब क्या हुआ, सी सिंगल बॉन्ड सी। मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या आप इसका जनरल फार्मूला जानते हैं, CnH2n+2।
चलिए एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है, बताओ इसका DULK का कितना होगा? समझ आ गया? चलो साहब, मैंने लिखा आपके सामने एल्कीन, क्या ये सी डबल बॉन्ड सी को रिप्रेजेंट करेगा क्या? अच्छा जनरल फार्मूला बताओ बच्चा, CnH2n, बताओ इसका DU कितना होगा? 1 होगा। क्या बात है, मैंने बोला बताओ बच्चा एल्काइन क्या सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा क्या? फार्मूला बताओ बेटा क्या है? CnH2n-2, बताओ क्या लिख दो यहाँ पे 2। क्या ये आपको पता है? तो यही तो मुझे बोलना था कि जो आपको पता है वही पता होना चाहिए। सर प्लीज एक्सप्लेन करिए, आप हमको किस तरीके से उलझन में डाल रहे हैं कि हमको पता है फिर भी पता होना चाहिए, पता है फिर भी नहीं पता है, ऐसा कौन सा पता है? तो आइए हम आपको जनरल फार्मूला का पता बताने जा रहे हैं। अब करना क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले मैंने नंबर 1 लिया, यहां पर मॉलिक्यूल का टाइप जो क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल हमने कहा हे एल्कोहल तेरा जनरल फार्मूला बता। एल्कोहल कहता है हे मास्टर मेरे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का तू जवाब दे। मैंने कहा पूछो। कह रहा बस इतना बता मेरा DU कितना और मेरे पास ऑक्सीजन कितने। हमने कहा हाँ वेरी गुड, जो दिख रहा आप वही बता रहे हो। आपको देखना अभी आपको कितना लगेगा, जो थोड़ी देर पहले आप अभी मुश्किल से 2 से 3 मिनट पहले जो आप ब्लैंक हो रहे थे, अब आप देखिए हमसे भी फास्ट होने वाले हैं। यही तो मैजिक है, यही तो ऑर्गेनिकल मैजिक है आपके लिए। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब क्या हुआ, मैंने कहा हाँ बोल क्या पूछना चाहते हो? कह रहा ये बताओ मेरा DU कितना है और मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं। हमने कहा क्यों इसका जवाब दे देंगे तो तुम अपना जनरल फार्मूला बता दोगे? कह रहा आप जवाब तो दो पहले। मैंने कहा ठीक है भाई भाई, मैंने कहा पूछो। कह रहा एसिड सर जवाब आपको देना पड़ेगा, आप जवाब दोगे तभी हम आपको इसका जवाब देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, जब इतने रिस्पेक्ट से तुम एसिड सर का नाम ले रहे हो तो हम जरूर बताएंगे, तो बताओ ध्यान से। हाँ लेकिन बेटा ध्यान सुनना, मैंने कहा इस कंपाउंड का DU कितना है? 0। इसके पास ऑक्सीजन कितना है? क्या बात है, अब सुनना ये जो तुम्हें पता है उसी से पता करना है। बता रहे बच्चा एल्केन एल्कीन एल्काइन में किसका DU 0 है? एल्केन। मैंने इसको उठाया और यहां पर चिपकाया, बन गया CnH2n+2 और जो बच गया ऑक्सीजन उसको यहां पर लगाया, बन गया जनरल फार्मूला। बन गया जनरल फार्मूला। अब कभी कभी ऐसा भी होता है ये 2n+2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2n+2 रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को। तो अगर हम क्या करें, यहां से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दें तो CnH2n+1.OH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है और ऐसे भी देखने को मिल सकता है। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? आइए साहब, मैंने कहा नंबर 2 ले लिया मैंने ईथर। क्या ले लिया रे? अच्छा ईथर लिया है जो, बताओ मैंने कहा क्वेश्चन तो वही 2 ही पूछूंगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। क्या बताओ तेरा DU कितना है? 0। ऑक्सीजन कितना है? 1। DU 0 से उठा ले बच्चा, CnH2n+2.O। आ रहा है क्या आंसर? आपने रटा है क्या आंसर? अपने आप ही आ रहा है आंसर? तो क्या मैं इतना आप पर विश्वास करके यहाँ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लिख कर आप पे विश्वास करूंगा कि आप मुझे लिखवाएंगे और मैं यहाँ पर लिखूंगा? आर यू तैयार फॉर दैट? ओके बेटा ध्यान सुनना, मैंने लिया नंबर 3 पर, यहाँ पर बेटा ध्यान सुनना, नंबर 3 हमने यहाँ पर ले लिया बेटा, ध्यान सुनना एल्डिहाइड। क्या ले लिया बेटा? बताओ बेटा क्या एल्डिहाइड का आपको फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला पता है? CHO हो गया ना। अच्छा बताओ क्या, बताओ तेरा DU कितना? ऑक्सीजन कितना? DU 1 से उठा लो, क्या लोगे? CnH2n। क्या चुप हो, क्या बात है, मुझसे फास्ट जवाब देने लग गए, बेहतरीन। नंबर 4 क्या है तेरा विचार, बताओ बेटा ये क्या है? कीटोन। क्या है रे? कीटोन। बताओ क्या है? CO। क्या ये कीटोन को रिप्रेजेंट करता है? बताओ बेटा DU कितना? DU कितना? ऑक्सीजन कितना? अरे है ना, DU 1 से क्या जवाब आएगा? CnH2n। ओ और क्या हो गया इतना बेटा, कोई डाउट की?
अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ने के लिए तैयार हो क्या? मैंने कहा नंबर पांच, नंबर पांच में मैंने आपके सामने, बेटा आप ध्यान सुनना, यहां पर मैंने ले लिया आपके सामने कार्बोक्सिलिक एस्टर। क्या ले लिया बेटा? कार्बोक्सिलिक एस्टर। क्या कार्बोक्सिलिक एस्टर को आप पहचान सकते हो? बताओ। उसने पूछा डीयू कितना, ऑक्सीजन कितने। क्या बात है, बताओ क्या बनाओगे? डीयू वन से क्या उठाओगे? CN H2N। क्या चिपकाओगे? O2। क्या चिपका दिया रे? अच्छा बताओ नंबर छह, अच्छा कार्बोक्सिलिक एस्टर आ गया। अब मैंने बोला आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ले लिया रे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जानते हो क्या? अरे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, मैं एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? एसिड के नाम आते हैं मुझे देखने लग जाते हो। इधर आओ, ध्यान से आओ, ध्यान सुनना। बताओ इसका डीयू कितना है रे? ऑक्सीजन कितना है रे? बेहतरीन जवाब। बताओ डीयू वन से क्या होगा? CN H2N। क्या चिपकाने वाले हो? अरे वाह बेहतरीन। क्या है रे? बेहतरीन। क्या मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं क्या? लेकिन इस बार मैं आपको दूंगा टाइम, 30 सेकंड का दूंगा टाइम, जवाब आपको देना होगा। बोलो ना। चलो साहब मैं नंबर 7 यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक, बेटा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कैसे पहचान लेते हो तुम? किसको रिप्रेजेंट किया? COOCO। क्या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। और सुनो मेरी बात ध्यान से, जब मैं रेडी बोलूंगा तभी आपको जवाब देना। क्या बोला बेटा? जब मैं रेडी बोलूंगा तभी आपको जवाब देना है। चलो स्टार्ट करिए। एक मिनट एक मिनट, अब इतना फास्ट जवाब क्यों देने लग जाते हो? अभी तक बोल नहीं रहे थे और अब बोलने से पहले जवाब दे रहे हो। हाँ हाँ, एसिड का कमाल नहीं है, आपकी मेहनत का कमाल है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये केवल मेहनत है, आपकी मेहनत है। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, 15 सेकंड हो भी चुके हैं, तुम्हारा जवाब आ भी चुका। कितने लोग जवाब आ गया? अच्छा अभी एल्कोहल पे फिसल रहे थे और अब तुम एनहाइड्राइड का भी जवाब दे रहे हो? जवाब दे, तैयार हो क्या? अच्छा रुको 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 रुको, अभी मैं पूछता हूँ, बताओ डीयू कितना है? डीयू हो गया 2। ऑक्सीजन कितना है? 3। अब मैं रेडी बोलने वाला हूँ, एक साथ जवाब देना, ठीक है ना? 1 2। अरे बेटे जवाब रेडी तो बोलने दे। 1 2 3। रेडी? फिर से बोलो। कितने लोग का जवाब आया है? कितने लोग का जवाब आया है? एक जोरदार ताली होनी चाहिए आपके लिए। मैंने क्या बोला था? मैजिक होने वाला है, जादू होने वाला। 5 मिनट पहले जहां बोल नहीं पा रहे थे, आज पूरी क्लास सिंक्रोनाइज हो चुकी है। यही है ऑर्गेनिकल मैजिक। चलो साहब, वैसे मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। कहा सर पूछो, सर पूछो पूछो। हमने कहा मैं सोच रहा हूँ एक कंपाउंड आपके सामने यहाँ पर बनाऊँ, क्या आप उसका जनरल फार्मूला बता सकते हो? लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप बता नहीं पाओगे। नहीं बता पाओगे? और नहीं बता पाओगे फिर क्या होगा? पक्का बताओगे? श्योर? यहाँ पे तो स्पेस नहीं है। चलो बेटा मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? और चेक करता हूँ देखो कितने लोग जवाब देते, लेकिन जब रेडी बोलूंगा तभी जवाब देना होगा। चलो साहब ध्यान सुनना, मैं मॉलिक्यूल को यहाँ बनाने जा रहा हूँ। नंबर कौन सा चल रहा था? 7, तो इधर लिख रहा हूँ नंबर 8। बहुत ध्यान सुनना, मैंने आपके सामने बनाया जे वाला मॉलिक्यूल। कौन वाला मॉलिक्यूल? जे वाला मॉलिक्यूल। और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। बहुत टफ है ये। अरे बहुत टफ है, बहुत टफ है। ये आसान है क्या? कंफ्यूज नहीं होगा? अरे मल्टी फंक्शनल ग्रुप है सर, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। हमें तो केवल 2 ही क्वेश्चन पूछना, उससे तो पूछना ही नहीं है। तो अगर अब आप सोच लो, आप सोचो, जब मैं रेडी बोलूंगा तो आपको जवाब देना होगा। सोच कितने लोगों का जवाब आता है? हाँ, अरे बेटा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। जवाब आ गया क्या? अभी आप सिंगल फंक्शनल ग्रुप का जवाब नहीं दे पा रहे थे, अब मल्टी फंक्शनल ग्रुप का जवाब देने लग गए हो। चलो ठीक है, जवाब देखते हैं। 1 2 3 सिंक्रोनाइज होके रेडी। अच्छा जो मैंने सुना मैं लिखने जा रहा हूं, क्या ये मैंने यही सुना है क्या? देखो CN H2N -2O3। कितने लोग का जवाब आया है? बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब।
अब देखिए, अब आप भी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले यहाँ थे, अब आप यहाँ आ गए, तो आपकी ऑर्गेनिक भी यही होने वाली है। मेरी बात समझ में आया? मास्टर ने तो जनरल फार्मूला तो सिखा दिया, सिखाने के साथ साथ उसने एक चीज और भी आपको बताने वाला है, वो ध्यान सुनना क्या है। आपने देखा होगा कि एल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला क्या है, सेम। एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला क्या है, सेम। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एस्टर का जनरल फार्मूला क्या है, सेम। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये जो आपके सामने, दिस इज कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, और ये जो मॉलिक्यूल, इनका जनरल फार्मूला भी क्या है, सेम। यानी एक कैटेगरी बना दी उसने, क्या कैटेगरी बना दी। अब सुनना, मैं कह रहा हूँ अभी तो आईपीएससी पढ़ेंगे, लेकिन हम आपके लिए जो जमीन तैयार कर रहे हैं, वो आगे की जमीन तैयार कर रहे हैं। वो कैसी जमीन है, ध्यान सुनना। अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मोर देन वन कंपाउंड है बेटा, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उनका जनरल फार्मूला भी सेम है, क्या बेटा, जनरल फार्मूला भी सेम है, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर। क्या कहलाएंगे, आइसोमर। क्या इनका जनरल फार्मूला सेम है, हाँ। 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 अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होंगे तो क्या कहलाएंगे बेटा, आइसोमर। आसान की बहुत आसान। एक बालक कहता है, सर उनका बोलो एसिड, सर मजा आ गया आज। हमने कहा अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, लेकिन सर आप तो बड़े चालाक निकले। हमने कहा क्या कहना चाहता है, थैंक यू बोल रहा है कि चालाक बोल रहा है, पहले ये बता। कह रहा सर एक बात बताइए, जितने भी आपने अभी तक जनरल फार्मूला कैलकुलेट कराए हैं, उसका मैक्सिमम डीयू कितना है, 2। अब बताइए अगर डीयू 3 हो जाए तो क्या करेंगे। हमने कहा यार तुमने मास्टर से बात करी है, तो अब हम आपको मास्टर फार्मूला देंगे। क्या देंगे, मास्टर फार्मूला। कितना भी डीयू हो जाए आपको घबराने की जरूरत, आहा आहा, बोलो है ना, क्या आगे बढ़ जाएं, क्या आपने लिख लिया है। चलो साहब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो हम लोग अब जनरल फार्मूला के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना शुरू कर चुके हैं। किस पड़ाव की ओर, दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना शुरू कर चुके हैं। ध्यान से सुनना बेटा, हम आपके सामने लिख रहे हैं मास्टर फार्मूला। क्या नाम है बेटा रे, मास्टर फार्मूला। आसान की बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। CnH2n+2 -2x.oy, ये है हमारे सामने एक मास्टर फार्मूला, जहां x जो रिप्रेजेंट करता है किसको, du को, और this is equal to number of pi bond plus number of cycle या ring, बोलो है ना। और y रिप्रेजेंट करेगा किसको बेटा, number of oxygen को, किसको करेगा बेटा, number of oxygen। For example मैंने कहा कि बताओ बेटा एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एल्किनाइन टाइप का है, वो एल्किनाइन सीरीज का एक मॉलिक्यूल कोई है, मैंने कहा एल्किनाइन है, क्या आप इसका जनरल फार्मूला बता सकते हो। तो सुनो, क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ इन और आइन है, इन का मतलब क्या होगा बेटा बताओ, डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या आपको यहाँ का डीयू पता चल चुका है, कितना आएगा, 3। कैसे आएगा सर, इसमें 1, 2, 3, 3 पाई बॉन्ड है, तो आपने कहा सर इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। क्या इसमें कहीं ऑक्सीजन नजर आ रहा है, इफ नो ऑक्सीजन तो आपको इसको वैल्यू को रखना नहीं है। चलो साहब आइए इसका जनरल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा बताओ बेटा क्या लिखेंगे आप, बेटा ध्यान सुनना, आपने लिखा CnH2n+2 -2×3, बोलो है ना, क्या ऑक्सीजन वाला टर्म आएगा कि क्या लिखा बेटा आपने, CnH2n -6+2=-4, क्या जवाब आ गया क्या। तो कितना भी डीयू हो जाए क्या आप उसका जवाब निकाल सकते हो, बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एल्केन, एल्केन का डीयू कितना होता है, 0। तो x की वैल्यू पुट करो क्या, 0। बताओ ये कितना निकल के आ रहा है, CnH2n+2, पूरा क्या बन गया, CnH2n+2।
एल्कीन का डी यू कितना होता है? 1। एक्स की वैल्यू रखो 1, तो क्या प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अरे ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन को क्यों सोचते हो? तो बेटा क्या हो गया? CnH2n हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा एल्काइन का डी यू कितना होता है? 2। तो क्या यहाँ पे 2 रखोगे क्या? 2 रखने से क्या हो गया? -4। तो बताओ क्या प्लस 2 और -4 इक्वल टू -2? क्या CnH2n -2 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, सारी तो चीजें यहाँ पे आ रही हैं। आइए एक और हम चीजें आगे बढ़ाते हैं। क्या आप सारी चीजों को सीख पा रहे हो बेटा? अब हमारे सामने है कि अभी तक जितना भी हमने आपके सामने डिस्कस किया, क्या बोला बोलो, अभी तक जितना भी हमने आपके सामने डिस्कस किया वो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड था। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड था। ऑक्सीजन का यहां पर कोई रोल नहीं है। ऑक्सीजन से आपको दिक्कत है क्या? नो। तो यहां दिक्कत क्यों होगी? नो। ओके, तो ध्यान सुनना बेटा, अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं तीसरे टाइप का क्वेश्चन कि अगर सर नाइट्रोजन और हैलोजन टाइप आ जाए तो हमें कैसे क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो सुनना बेटा ध्यान से, फॉर नाइट्रोजन एड वन एंड फॉर हैलोजन सब्ट्रैक्ट 1। अरे बेटा ध्यान सुनना, किसमें से रे? हाइड्रोजन से। किसमें से रे? हाइड्रोजन से। तैयार करें? जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज लिसन केयर फुल्ली, मैंने आपके सामने लिख दिया, ध्यान सुनना बेटा, RCH2NH2 ये हमारे सामने है प्राइमरी एमाइन। हमने कहा बेटा कि बताओ प्राइमरी एमाइन, बताओ DU कितना है इसमें, बता सकते हो? 0। कितना रहे? 0। कैसे पता चल जाता है आपको? कैसे बोलता है ये एक्स रे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? बोलो रे, डीयू को। बताओ नो पाइबॉन नो साइक, डीयू 0 से फार्मूला क्या बनाओगे? जवाब दो, CnH2n+2। क्या एल्केन वाला? अच्छा, तो कार्बन हाइड्रोजन तो आपने इसमें लिख दिया, बच क्या गया? नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन आता है प्लस 1 लाता है, बोलो है ना? क्या बन गया आपके सामने? CnH2n+3.n बन गया कि नहीं बन गया? एक ऐसा फार्मूला बन चुका बेटा आपके सामने, बोलो रे, प्राइमरी एमाइन का। आसान की बहुत आसान। क्या आगे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? मैंने आपके सामने लिखा बेटा, बताओ RCH2X बता रहे बेटा, क्या जवाब दोगे इसका? था बता DU कितना है? क्या लिखोगे? CnH2n+2.x और जब x आएगा -1 लाएगा, क्या बन जाएगा? CnH2n+1.x। क्या बात है। चलो साहब आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने इस समय ले लिया वो हैलाइड, ले लिया मैंने आपके सामने। अब हमने लिया RCONH2, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी एमाइड। क्या है रे? ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये क्या है बेटा? दिस इज प्राइमरी एमाइड। कैसे जवाब देंगे? तैयार हो? बताओ DU कितना लिखोगे? अच्छा DU 1 से क्या आएगा? CnH2n। एल्कीन आ गया क्या? अच्छा क्या ऑक्सीजन से आपको दिक्कत की? तो आपने, अच्छा कार्बन हाइड्रोजन तो आपने लिख दिया, अब कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे बचे रह गए? नाइट्रोजन और क्या बचा रह गया? ऑक्सीजन। तो आपने क्या लगा दिया? NO। जब जब नाइट्रोजन आएगा +1 लाएगा, क्या बन गया बेटा? CnH2n+1.NO बना क्या? क्या एक क्वेश्चन तैयार हो और करने के लिए? मजा आ रहा है, क्या रहा है? मजा आ रहा है। RCOX ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड हैलाइड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड हैलाइड। क्या इसका DU बताने में तैयार हो? बताओ DU कितना होगा? DU कितना होगा? 1। DU 1 से फार्मूला क्या बनाने तैयार हो? CnH2n। क्या बच गया? क्या बच गया? XO। क्या बच गया? XO। ऑक्सीजन कुछ कह रहे थे? जब जब हैलोजन आएगा -1 लाएगा, क्या बन गया? CnH2n-1.XO। बोलो हाँ या ना? अब ईमानदारी से बताओ, थोड़ी देर पहले आप एल्कोहल के आगे बढ़ नहीं पा रहे, एल्कोहल से ही नहीं आगे बढ़ पा रहे थे,
और अब बता दो अभी तक मैंने एक भी जनरल फार्मूला आपको रटने के लिए बोला है क्या? बोलो बोलो बोलो। तो आसान की बहुत है आसान। क्या आप इन सारे कंपाउंड के जनरल फार्मूला घर पे जाकर बिना देखे लिखने के तैयार हो क्या? क्या आपकी दुनिया बदल चुकी है? क्या आपको दुनिया बदलने का एहसास हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि यह अकेडमी ऑफलाइन सेंटर आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है? बोलो हाँ है ना। नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर साथ साथ में। चलो बेटा ठीक है ठीक है। तो बेटा ये जनरल फार्मूला मैंने आपको बता दिया, अब इसका यूज़ हम लोग आगे बहुत जगह करते रहेंगे। अब एक टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेटा ध्यान सुनना, जो एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में और वो टॉपिक होगा आपका होमोलॉगस सीरीज। क्या होगा? होमोलॉगस सीरीज। मेरी बात समझ में आई नहीं आया? तो उस होमोलॉगस सीरीज से आप देख पाएंगे और इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड जनरल फार्मूला? मुझे पूरा विश्वास है और जैसा मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूँ आपकी मुस्कुराहट कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाई दे रही है, इतना एक्साइटिंग आप लोग दिख रहे हो। अभी तक जिस जनरल फार्मूला को आप लोग रटा करते थे, बार बार रिवाइज करना पड़ता था आपको, मुझे लगता है आज के बाद आपको इसको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन क्या उसका यूज हमने जनरल फार्मूला में देखा? हाँ, और फ्यूचर में भी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और इन सब चीज़ों का यूज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। फिर भी आपके मन में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी सवाल हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब जल्दी ही देंगे। और हर सीरीज में जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ता ही रहना चाहिए जो आपको मेडिकल कॉलेज तक एज ए डॉक्टर पहुँचा दे। विश यू ऑल द बेस्ट।